एवरीबॉडी, और आज हम सीखेंगे प्रपोजिशन वाली फ्रेजेस, यानी कि ऐसी फ्रेजेस जिसमें से कुछ प्रपोजिशन उसमें बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं, यानी कि उनको आपको लर्न करना होगा जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं पहली प्रपोजिशन आपके सामने। जी हाँ, विद की बात करते हैं। ऐसी फ्रेजेस जो विद के साथ कनेक्ट होती है, जिसको आपको लर्न करना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसको आपको कंफ्यूज जैसे जहां एग्जाम में कहां होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे हमने फ्रेज देखी, दिया हुआ है बबलिंग विद कॉन्फिडेंस, यानी कहीं अगर फ्रेज दी है तो वहां लिखा ही होना चाहिए बबलिंग विद कॉन्फिडेंस, यानी कि ऊर्जा से भरा हुआ, एनर्जाइज बहुत ज्यादा है, दैट इज बबलिंग विद कॉन्फिडेंस। यहां अगर हम ऐसे लिखते हैं बबलिंग टू कॉन्फिडेंस, बबलिंग इन कॉन्फिडेंस, बबलिंग या कोई भी अलग प्रपोजिशन लगाते हैं, इट मींस वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको ऐसी प्रपोजिशन लर्न करनी है। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, दिया है कॉन्कर विद व्यू, इट मींस किसी के विचार से सहमत हो जाना, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री हो जाना। लेट्स सी मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट आपकी यहाँ फ्रेज है कन्वर्स विद लाफ्टर, यानी जोरदार हंसी में डूबा हुआ होना, तो विद आएगा यहाँ पर, इसको याद रखना है। डू क्राइम विद इम्प्यूनिटी, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप कोई काम क्राइम कर देते हैं उसके बावजूद भी आपको कोई सजा नहीं मिलती, अपराध करना बिना सजा पाए, इट मींस। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेज एग्जैक्टली एंडोर्ड विद क्वालिटी, यानी कि किसी भी गुण किसी भी क्वालिटी से भरा हुआ होना, दैट इज एंडोर्ड विद क्वालिटी। आप ऐसे यूज नहीं कर सकते एंडोर्ड इन क्वालिटी, एंडोर्ड टू क्वालिटी और एनी अदर थिंग्स, वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है एंट्रस्ट विद अ ड्यूटी, यानी कि किसी को कोई जिम्मेदारी देना, तो समवन हु इज इंटरेस्टेड विद अ ड्यूटी, विद अ ड्यूटी उस ड्यूटी का नेम भी हो सकता है वहां पर, तो यहां पर आपको प्रपोजिशन विद ही यूज करनी होगी, कोई दूसरी प्रपोजिशन यूज नहीं कर सकते। ऑलराइट, आगे देखते हैं, दिया है ग्रेपल विद डिफिकल्टी, यानी परेशानियों से जूझना, लाइफ में डिफरेंट टाइप्स की डिफिकल्टीज आपके सामने आ जाती हैं। इफ यू आर ग्रेपलिंग विद डिफिकल्टीज यू कैन यूज लाइक दिस, विद की जगह कुछ और प्रपोजिशन यूज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, दूसरा दिया है जंप विद जॉय, यानी खुशी से उछल पड़ना, आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी लाइफ में डिफरेंट खुशियां आ गई, दिवाली का टाइम है, दिवाली खुशियां ही खुशियां, इट मीन जंप विद जॉय। जंप के साथ कोई और प्रपोजिशन यूज नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर जॉय की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ जाते हैं। प्रपोजिशन दी है मैड विद एंगर, यानी कि बहुत ज्यादा नाराज हो जाना, बहुत अधिक नाराज होना, दैट इज मैड विद एंगर, मैड इन एंगर, मैड टू एंगर, मैड इनटू एंगर, एनी अदर प्रपोजिशन इफ यू यूज इट वो पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट प्रपोजिशन, नेक्स्ट फ्रेज यहां पर राइज विद सन, यानी सूरज के साथ उगना, एक तरीके से सुबह सुबह जागना, दैट इज राइज विद सन। इसका मतलब जैसे जैसे सन ऊपर उगता है, सन ऊपर आता है, उसी तरीके से हम भी जाग जाते हैं, दैट इज राइज विद सन। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ फ्रेज दी है टेम्पर विद एविडेंस, एविडेंस मतलब जो आपके सबूत हैं उसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर देना, टेम्पर कर देना, दैट इज टेम्पर विद एविडेंस, सबूतों से छेड़छाड़ करना। दूसरी फ्रेज दी है यहाँ पर विंस विद पेन, यानी कि दर्द से तड़पना, आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं किसी चीज से, दैट इज विंस विद पेन। You cannot use other prepositions except with here. तो ये थी आपकी preposition जो बात हुई यहाँ पर हमारी with की। Next preposition देखते हैं, next preposition हमारी क्या है जिसको आपको learn करना है phrases के साथ में। Alright, next preposition आती है आपकी to. To के साथ जो आपकी यहाँ पर phrase है, that is accede to request, यानी कि किसी के अनुरोध को मानना, किसी ने कोई request करी, किसी ने कोई plea करी, then उसको आपने accept कर ले, that is accede to request. Accede with request आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। Usually इसी तरीके से यहाँ पर mistakes दी जाती हैं। Usually spoken language में भी आप इसे बहुत अच्छे से use कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप spoken languages में use करते हैं phrases को, उतना ज़्यादा आपको ये learn हो जाती है और exam में बहुत ज़्यादा beneficiary रहेंगी, चाहे फिर वो exam आपका SSC वाला हो या bank का कोई exam हो। Alright, आगे बढ़ जाते हैं। Next phrase दिए यहाँ पर stick to the rule, यानी rules पे बने रहना, किसी word पे बने रहना, जो आपने शब्द बोले उन पर बने रहना, तो stick के साथ आपको यहाँ पर two preposition यूज करनी पड़ेगी। इसका मतलब हिंदी में दिया हुआ है किसी चीज पर टिके रहना। ऑलराइट, दूसरी यहां फ्रेज देखते हैं। एग्जैक्टली, दिया हुआ है बैटल टू डेथ, यानी बैटल करते रहना, लड़ते रहना, कब तक, जब तक कि आपकी मृत्यु ना हो, मरने तक लड़ना, संघर्ष करना, एंड तक, दैट इज बैटल टू डेथ। बैटल के साथ कोई और प्रपोजिशन यूज करेंगे, इट मींस वो फिर यहां पर रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट दिया यहां पर ब्लजियन टू डेथ, एग्जैक्टली पीट कर मार डालना, तो ब्लजियन के साथ यहां पर डेथ आएगी, यानी कि डेथ तक उसको मारते जाना, मारते जाना, मारते जाना, टू प्रपोजिशन को यहां पर यूज करनी है। बाकी देखते हैं आगे। दिया हुआ है केटर टू द डिमांड, यानी कि जो जरूरत
जरूरत है उसको पूरा करना, दैट इज केटर टू द डिमांड, केटर ऑफ द डिमांड, केटर फॉर द डिमांड और एनी अदर प्रपोजिशन वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग हियर इफ यू यूज हियर. ऑलराइट, नेक्स्ट फ्रेज यहां देखते हैं, दिया है कम टू फ्रूटिशन. फ्रूटिशन का मतलब फ्रूटफुल समथिंग, कोई चीज है अगर, यानी सफल हो जाना, दैट इज कम टू फ्रूटिशन. नेक्स्ट देखते हैं यहां पर वही असफल होने के लिए, दैट इज कम टू नॉट. Come to not, come to fruition. दोनों चीजों को याद रखिएगा, come to not और come to fruition. Come to fruition सफल हो जाना, come to not असफल होना. Next phrase दिए यहाँ पर come to light. Come to light मतलब किसी भी चीज पर प्रकाश पड़ना, सार्वजनिक हो जाना, एक तरीके से पब्लिक हो जाना, हमने देखा सार्वजनिक रूप से ज्ञात हो जाना, that is come to light. Something और कोई केस है आपका जो कि पूरा सार्वजनिक हो गया, that is come to light. Alright, next phrase देखते हैं यहाँ दिए टू के साथ come to rescue. Rescue operations चलते हैं जिसको बचाने की बात, यानी किसी को बचाना, that is come to rescue. We cannot use come on rescue, come for rescue or any other preposition. That would be absolutely wrong here. Next phrase है come to the fore. It means उभर कर आना, emerge होकर आना, that is come to the fore. Alright, एक और phrase देखते हैं two के साथ दिए, commit to memory. यानी कि किसी भी चीज को memory में याद रखना. Commit with memory करके दिया जा सकता है जो कि wrong हो जाता है. Commit on memory करके दिया जा सकता है जो कि wrong हो सकता है. In fact, कोई other prepositions दी जा सकती है जो कि wrong हो सकती है. तो आपको यही याद रखना है, commit to memory, किसी चीज को याद रखना. दूसरा दिया है condemn to death, यानी कि मृत्यु दंड दे देना किसी को, that is condemn to death. Condemn until death, unto death, till death or any other preposition that are usually seen here, जो कि ग्रामर के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो जाती है, जिसको गलती करके दे दिया जाता है आपके एग्जाम्स में, उसको आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है. Your next phrase, detrimental to a cause, यानी कि हानिकारक होना, तो यहाँ पर आपको टू ही यूज करना होगा, कोई और प्रपोजिशन यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट दिया यहाँ पर ड्राइव टू डिस्पेयर, यानी कि निराश हो जाना, तो ड्राइव ऑन डिस्पेयर, ड्राइव फॉर डिस्पेयर, ड्राइव फ्रॉम डिस्पेयर या OFF ऑफ डिस्पेयर कैन बी दैट, बट वो पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं यहाँ पर दी हुई है गो डाउन टू वायर. इट मींस ये भी पूरी तरीके से असफल हो जाना, गो डाउन ऑन वायर, गो डाउन फ्रॉम वायर और एनी अदर प्रपोजिशन, वो पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगी. नेक्स्ट फ्रेज दिया है यहाँ पर मूव टू टीयर्स. फिर से मूव टू टीयर्स, यानी टीयर्स की तरफ मूव कर देना, आंसू की तरफ मूव कर देना, यानी कि रो पड़ना. ऑलराइट, नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं यहाँ दिया है पुट टू रॉट, यानी कि नष्ट कर देना पूरी तरीके से, तो पुट ऑन रॉट दिया है, पुट फॉर रॉट दिया है, एनी अदर प्रपोजिशन, वो आपकी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी. नेक्स्ट फ्रेज दिया यहाँ पर सेंटेंस टू डेथ, यानी कि मृत्युदंड दे देना. यूजुअली आपने सुना होगा जब जजेस वगैरह कभी किसी को अगर डेथ की वहां पर सेंटेंस कर दे, यूजुअली यही यूज होता है, और इस तरीके की सेंटेंसेस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां पर सेंटेंस फॉर डेथ और एनी अदर प्रपोजिशन दे यूज दैट, जो कि पूरी तरीके से गलत हो जाती है. आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं कौन सी हमारी नेक्स्ट प्रपोजिशन है जिसको आपको लर्न करना है, जिस पर बेस फ्रेजेस बहुत ज्यादा आती हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट दिया हुआ है यहां पर इनटू. इनटू के साथ दिया है बर्स्ट इनटू लाफ्टर, यानी कि बर्स्ट हो जाना, एकदम लाफ्टर में हंस जाना, मतलब ढाके मार के हंसना, खूब जोरदार हंसी आना, दैट इज बस्ट इनटू लाफ्टर. ऑलराइट, नेक्स्ट दिया यहां पर कम इनटू बीइंग. कम इनटू बीइंग यानी किसी प्रैक्टिस में आना, दैट इज गिवन हियर इन हिंदी, अस्तित्व में आना, दैट इज कम इनटू बीइंग. कम टू बीइंग या कम एनी अदर थिंग, कम ऑन बीइंग दिया हो वो भी पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट फ्रेज देखिए हमने दिया हुआ डेल्यूड इनटू बिलीविंग, यानी कि हम किसी भी चीज में भ्रमवश किसी बात को मान लेना, यानी कि हमने कुछ इल्यूजन मान लिया, हमने मान कुछ इल्यूजन कर रखा है, देन उसके बाद हमने किसी भी चीज को परसीव किया या कंसीडर किया, दैट इज डेल्यूड इनटू बिलीविंग, यानी बिलीव में डेल्यूड हो जाना. इस तरीके से फ्रेजेस दी है अगर, तो डेल्यूड ऑन बिलीविंग और एनी अदर प्रपोजिशन, वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा. नेक्स्ट दिया है एंटर इनटू फ्रे, यानी कि चुनाव लड़ना, एंटर इनटू फ्रे, यू नीड टू यूज दैट. ऑलराइट, नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं दिया फॉल इनटू अबेयंस. इट मींस किसी चीज को भुला दिया जाना, तो फॉल इनटू अबेयंस आप यूज करेंगे अगर फॉल और अबेयंस दिया हुआ है. आप यूज करते अगर फॉल ऑन, फॉल फ्रॉम, फॉल एनीथिंग एल्स, वो आपका यहां पर रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट दिया यहां पर फ्रेज गेट इनटू डिफिकल्टी. सिंपल है, परेशानी में पड़ जाना, किसी भी चीज में पड़ जाना, यूजुअली हम इनटू ही यूज करते हैं. फिर भी आपको कुछ ऐसी जगह कुछ फ्रेजेस लर्न करनी पड़ जाती हैं कि जहां पर आपको अगर लर्न नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है. नेक्स्ट फ्रेज आपके सामने दी है प्रे इनटू अफेयर. प्रे इनटू अफेयर का मतलब दूसरे के मामले में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेना या दिलचस्पी लेना, जो कि यहां दिया हुआ है. नेक्स्ट फ्रेज दिए यहाँ पर टेक इनटू अकाउंट, यानी किसी की बात पर विचार करना, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, दैट इज टेक इनटू अकाउंट. If you really like the video, please press on the like button and comment below so that we'll be with you with such kind of videos the more we can. Alright, till then, keep learning and keep practicing. And once again, your English guru signing off.